नमस्कार, तेज हरियाणा पर हम लगातार आपको राजस्थान चुनाव से जुड़े हर रंग दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं संगरिया विधानसभा में हूं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी गुरदीप सिंह शापिनी की ओर से अपना अभी नामांकन पत्र है वो दाखिल किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जो कि कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पर उनके यहाँ पर आकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सबसे खास बात यह है कि आज वो कोई बहुत बड़ी भीड़ या फिर एक कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पर नहीं, बल्कि सीधे घर से बहुत ही साधारण, एक बहुत सादगी भरे तरीके के साथ उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अक्सर चुनावी जब माहौल होता है, जब कोई भी कैंडिडेट अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो अब तब आप अपने एक बहुत बड़े रोड शो के साथ अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है, विरोधियों तक अपना परचम लहराने की कोशिश की जाती है। मगर गुरदीप सिंह ने सबके उलट किया है, जिसकी सपोर्ट चर्चा है, क्योंकि हर चुनाव के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त अपनी पूरी ताकत झोंकनी होती है और इसका आवाम तक भी बहुत बड़ा संदर्भ निकलता है। लेकिन उन्होंने बहुत सादगी भरे तरीके के साथ बिना किसी जुलूस, भीड़ भाड़ या फिर जनसभा किए यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी कहा है कि वो बहुत सादगी में, बहुत साधारणता में विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से जो तमाम सर्वे यहाँ पर किए गए, यहाँ की जनता ने सर आंखों पर उनको बिठाया है और उनको दूसरी मर्तबा बीजेपी ने अपना चेहरा अनाउंस किया। तो इस बार कहीं ना कहीं संगरिया विधानसभा सीट में बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक पर भी है और दावा यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव के साथ साथ केंद्र के बाद राजस्थान में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। मगर इन दावों की सच्चाई ये तो चुनावों के बाद जब नतीजे आएंगे, जनता अपना वोट पोल करेगी, तब पता चलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत में पूरा परिवार अपनी वो माँ और बेटी के साथ यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। नामांकन पत्र दाखिल किया, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है और मेरी संगठन की जनता का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने हमारी पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकटें दी है और संगठन की जितनी जनता है सब का मेरे पे आशीर्वाद रहा। और उन्होंने जो यहाँ से रिपोर्ट गई, रिपोर्ट के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मेरे को सेवा करने का मौका दिया है। और आज हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं चुनाव के अंदर और आज हमारा जो मुहूर्त था और हमने जो नॉमिनेशन फाइल किया है अभी। किन मुद्दों पर सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आपके चुनाव का क्या है? मुद्दा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जो हमारे विधानसभा, हर विधानसभा की जो कमी है, जो हमारे काम करने वाले वो हमारे से रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, वो मैनिफेस्ट आएगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा उसके अंदर जो आने वाला। विधायक जी, आपके सामने काफ़ी उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, आजकल वो दिखाई नहीं है, दमयंती बहनी वाले एक ही साथ में आ गए, सभी साथ थे, कुछ कई जगह हमारे नॉमिनेशन फाइल और हो रहे हैं, राम सिंह जी थे, सुरेंद्र पाल काला था, सभी आए थे, तो दमयंती भी यहीं पे हैं और सभी साथ लगेंगे। हमारी नेतृत्व है वो सबको, जो कोई उठा हुआ उसको मनाने के लिए लगा हुआ है, अभी टाइम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सभी साथ लगेंगे। और जब एक मिनट, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जिसकी टिकट कटती है उसको गुस्सा भी लाजमी है, उसको होता है कि मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो हमारा जो नेतृत्व है, चाहे राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व है, सभी को मनाने के लिए मैं खुद भी जिस सबके पास जाके आया हूँ, सभी हम साथ लग के चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। गुलाब सिंह सर कल चुनाव नामांकन दाखिल करेगी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ेगा? अभी तक तो नॉमिनेशन 30 तारीख से चालू हैं, 6 तक भरे जाएंगे, उठाए भी जाएंगे, सब कुछ होगा जी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सभी को साथ लेकर चलेंगे। सर एक सबसे खास बात, आपने बहुत सादगी भरे तरीके के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, अक्सर हम देखते हैं बहुत बड़े भीड़ के साथ और आप पूरे जलसे के साथ पहुँचते हैं। अरे भाई साहब, भीड़ तो मैंने पूरे 5 साल करता रहा, भीड़ तो साथ ही है, कहाँ जाती, भीड़ नहीं होती तो चुनाव कैसे लड़ते? और ज़्यादा हुड़दुल मचाने का फायदा क्या, काम का टाइम है, सीजन है, कोई 1,000 रुपये में आदमी नहीं मिल रहा, वर्करों को तंग करने का फायदा क्या, फॉर्म जमा करना है, फॉर्म आज जमा करा दिया, आगे रैलियाँ होगी और भी होगी तो सब आएंगे, सब साथ हैं। कुछ गहलोत साहब कह रहे हैं कि जो है हमने काम किया है, कांग्रेस सरकार है, वो रिपीट होगी, कितना दम मानते हैं इस दावे में? दम तो आप 5 साल पुराना ले लो, 1 से 10 की गिनती, युवाओं को रोजगार और 1 से 10 गिनती करके सुपूर्ण कर जाए माफ, बताओ आप कितना क्या क्या कर दिया। अभी पेपर जो जितने पेपर हुए हैं वो सभी पेपर लीक, 14 की तो मेरे ध्यान है 14 पेपर लीक हुए हैं, किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। ये तो आप अभी जो चुनावी रेवड़ी हैं, इस रेवड़ी में से कुछ नहीं होता,
और लोगों ने देख लिया सारा कुछ, और इनके जो विधायक हैं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं, और आज कई मंत्री हैं वो टिकट लेना नहीं चाहते, कई मंत्री हैं वो टिकट लेना नहीं चाहते, उनको पता है हमारी हालत क्या है, और ये जो झूठ के पुलिंदे चलते नहीं है, और हमारी पूर्व मूव से सरकार बनेगी और संगरिया से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। आप लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं एक विशेष रणनीति के साथ, एक विशेष ऊर्जा के साथ, इस बार आपके अभियान में क्या विशेष बात रहेगी, किन मुद्दों को, किन बातों के आधार पे आप चुनाव मैदान में होंगे? चुनाव मैदान में तो मुद्दों तो जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो सारे का सारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि पे निर्भर करता है, चाहे मजदूर है चाहे व्यापारी है, सब कृषि पे निर्भर करते हैं। हमारे कोई भी यहाँ संसाधन वाला आदमी है जो भी चाहे रेड़ी भी लगाता है, तो किसान एक बीज की कड़ी है, किसान मजबूत होगा तभी जाके हमारा व्यापारी और हमारा जो मजदूर मजबूत होगा। आज नरमे की फसल बड़ी ख़राब हो चुकी है, मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही, किसान को उसका नरमे का जो उसका एवरेज है वो नहीं मिल रहा, व्यापारी को उसका जो माल बिकना था वो पूरा माल वहाँ मंडियों में आ नहीं रहा, दिक्कतें हैं सारी, उनको ठीक करेंगे सारा लड़के, समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, समस्या रोज नहीं पैदा होती है, और सब जो उनको चुनौती देकर उनका साथ हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपके सामने कांग्रेस टिकट घोषित नहीं कर पा रही है, उसको आप किस संदर्भ में ले रहे हैं, उनकी कमजोरी में या आपकी ताकत में, या जो इतना वो सोचने में मजबूर हो रहे हैं? वो अभी बात चली थी ना, अशोक लोग अजी ये कर रहे हैं, वो अलग अलग धड़ों में बटी हुई है पार्टी, हमारी पार्टी धड़ों में बटी हुई, हमारी पार्टी ने एक मजबूत से लिस्ट निकाली, और जिस नेतृत्व में मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े मंत्रियों का नाम था उसके अंदर संग्रह का नाम पहली लिस्ट के दूसरी लिस्ट के अंदर आया, और उनके छोटी छोटी लिस्टें आ रही हैं, पांच छह तो आ गई, गिनती याद नहीं कितनी आ गई, और कभी उनके जो केंद्र नेतृत्व है वो उनको आंख दिखाता है, कभी नीचे वाले आंख दिखाते हैं, कभी आपसी लड़ते हैं, तो इस कारण वो टिकट लेट हुई है। बाकी उस पार्टी का उसको पता है, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो मेरी पार्टी की बात कर सकता हूँ। धन्यवाद।